टीबी के मरीजों की सही पहचान हो, एक्टिव केसेस के बारे में समय पर पता चले, जो दवाइयां दी जा रही हैं वो प्रभावी है भी या नहीं, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी तो नहीं है, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए सरकार व्यापक स्तर पर सरकार ने इस कार्य को आगे बढ़ाया है और उसका काम किया जा रहा है। ट्रीट एवरी टीबी पेशेंट बेस्ट एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी के सिद्धांत के साथ सरकारी योजनाओं में प्राइवेट सेक्टर को भी एंगेज कर रही है। इसके अलावा हमारा जोर टेक्नोलॉजी और नए इनोवेशन से ज्यादा और उसे ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी हमारा बल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को आधार बनाते हुए स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम और उससे जुड़े हुए प्लेटफॉर्म डेवलप किए जा रहे हैं। प्रोग्राम के मैनेजमेंट के लिए, डिजीज सर्वेलेंस के लिए, ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के मोबाइल हेल्थ सॉल्यूशन देने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। हमने डिजिटल एक्सरे रीडिंग के लिए स्वदेशी मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मशीन भी विकसित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इस मशीन को ट्रू नेट नाम दिया गया है। ये मशीन मेक इन इंडिया की मुहिम को भी बदल देती है, बल देती है। टीबी से जुड़े विभिन्न विषयों जैसे वैक्सीन, बेहतर दवाइयां, डायग्नोस्टिक एंड इम्प्लीमेंटेशन, इन सभी को और मजबूत करने के लिए इंडिया टीबी रिसर्च कंसोर्टियम उसकी भी हमने स्थापना की है। टीबी को भारत से मिटाने के लिए राज्य सरकारों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को मजबूत करते हुए इस मिशन में राज्य सरकारों को अपने साथ लेकर चलने के लिए मैंने खुद देश के सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया है।